अस्सलाम वालेकुम। अफराते ज़र के जो नंबर आए हैं, महंगाई के जो नंबर आए हैं, वो 27.3% है, जो पाकिस्तान में 49 साल हिस्ट्री का सबसे बुलंद तरीन नंबर है। मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज़ जब से हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये कोई बहुत खुश आइन सूरत हाल नहीं है। फ्लड्स के दिनों में अब जबकि सब्जियाँ अनाज बुरे तरीके से तबाह हो चुके हैं, तो अंदेशा ये है कि फूड इन्फ्लेशन में, महंगाई में, जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है, उसमें और इजाफा होगा। अब पहले जो महंगाई बढ़ रही थी, उसके दो वजूहत हैं। एक तो आपका रुपया गिर रहा था, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर चढ़ गई थी, तो डबल एज थी, वो हमें दोनों तरफ से काट रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनली ऊपर जाई जा रही थी, $50 हुआ करती थी, अब 126 पर चली गई थी, अभी भी 100 के करीब है। और दूसरा रुपया आपका वो धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरा था। तो इस सूरत हाल से अभी निकलने नहीं पाए, तो अब सैलाब की वजह से फूड आइटम्स के ऊपर शदीद दबाव आइंदा आने वाले हफ़्तों और महीनों में आना है, और हमें उसकी पेशबंदी करनी चाहिए। ये सूरत हाल एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफ है। मैं मिफ्ता इस्माइल को कभी उससे क्रेडिट से पीछे नहीं हटाऊंगा कि इस मुश्किल सूरत हाल में IMF का प्रोग्राम रिवाइव कराया, लेकिन अब उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज अभी उसके सर पे खड़ा है। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसको रुपए को और इन्फ्लेशन को, दोनों चीज़ों को संभालना पड़ेगा। रुपया मज़बूत होगा तो हमारे इन्फ्लेशन को काबू करने में मदद मिलेगी, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे तो उसका बजट काबू में आएगा। ये बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, और ये बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, इनको समझ होगी, लेकिन अभी ये काबू करने की पोजीशन में मुझे लगते नहीं है। और ये हाथ से काबू नहीं आता, निकलता रहता है, तो वैसे वैसे एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। उसको कम करने का कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि सुबह उठे चिराग रगड़ेगा तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो जाएगी। ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो आसानी पैदा होगी। आज वज़ीर आज़म ने बहुत धुआंधार तकरीर की, उसने इमरान खान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसकी गिनवाई कि ये प्रॉब्लम है। अपनी हुकूमत के लिए जो दरपेश चैलेंजेस थे उनका भी जिक्र किया। वो चैलेंजेस सही आइडेंटिफाई करते हैं कि IMF ने बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा प्रोग्राम किया है। वो हर वो चीज़ मनवाई है जो पहले प्रोग्राम में शुरू में लिख ली जाती थी, किस्त आ जाती थी, और हम कहते थे कि 3 माह बाद करेंगे। इस दफ़ा उन्होंने कहा सब कुछ करके आइए फिर पैसे देंगे। ये हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी था, और उस सूरत हाल का भी एक जवाब था जब इमरान खान ने कीमतें 250-300 रुपये आप पे जानी चाहिए थी और वो 150 रुपये पे फिक्स कर दी थी। उनको पता चल गया था कि उनकी हुकूमत गिर रही है, तो उन्होंने कहा जो आएगा वो भुगतेगा, मैं तो 150 रुपये करने लगा हूँ। राय में हमने सज़ा हमें ये दी कि अब उसने हमारे साथ हर वो सलूक किया है जो नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ के ऊपर लिखा कि पहले करके आए प्रायर एक्शन, ये भी प्रायर एक्शन, और फिर हमारे पास आए। सुनिए आज शहबाज शरीफ इस हवाले से। जिस तरह इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को 4.25 साल चलाया और एक उस इदारे ने इसको इस तरह इसको पाला पोसा कि 75 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती और आइंदा भी कभी मिसाल नहीं मिलेगी, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। जिस हद तक इसको सपोर्ट किया गया और जिस हद तक इसकी जो नज़ाकतें और इसके नखरे बर्दाश्त किए गए, मैं तो जब देखता हूं, अब तो मैं खुद देख रहा हूं अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के जो कुछ ये आदमी टांग पे टांग रख के फैसले करता था और उसकी अपनी मनमानी करता था। इससे बड़ा झूठा मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी मैं अपने दुनिया में पैदा हुआ। बिल्कुल खत लिखवा दे कि भाई IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाए और ये दिवालिया हो जाए और ये पाकिस्तान, अल्लाह ना करे श्रीलंका बन जाए, तो ये मुल्क दुश्मनी तो और क्या है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी का और क्या सबूत हो सकता है। इसके ऊपर जितना मर्जी आप लकीर पीट लें, लेकिन इसको सिर्फ सियासत तक ही रहना चाहिए, मुकदमात तक नहीं जाना चाहिए, गद्दारी के पर्चे शर्चे नहीं होने चाहिए, ये नामनासब फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा जो आगे वो बोलते हैं कि IMF का प्रोग्राम कैसे रिवाइव हुआ, उसके ऊपर शहबाज शरीफ की जुबानी सुनिए, क्योंकि इन्होंने भुगता है, ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं कैसे। 1.2 अरब डॉलर की IMF की जो लोन है, कर्ज है, उसके लिए हमने अपनी नाक से लकीरें निकाली हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा, और हम पाकिस्तान को श्रीलंका के लिए अपना दुआएं कर रहे हैं। यार ये पाकिस्तानियत है, इसका मतलब है कि न्याजी साहब आप, मैं हूं तो सब कुछ है, मैंने तो कुछ नहीं। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हम दे दिए। 10,000 मेगावाट शमची तवानाई और हवा से चलने वाले मनसूबों का हमने लॉन्च कर रहे हैं।
अब ये जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया कि नाक से लकीरें निकाल के फिर IMF ने आपको कर्ज़ा दिया। हर वो चीज़ मनवाई है जो पहले इस तरीके से कभी नहीं थे वो मनवाया करते, हर चीज़ मनवाई है। और कल रात भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, मेरा ख्याल ये था कि इन फ्लड्स के ज़माने में कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए। लोग इतनी मुश्किल में, डूबा हुआ आधा पाकिस्तान, रोटी किसी को मैसर नहीं, कैंपों में कोई 5 लाख लोग कैंपों में पड़े हुए हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में बढ़ाएं। लेकिन कीमतों में हमने फिर भी इजाफा किया क्योंकि ये कमिटमेंट थी, अब उसको ऑनर किया गया। ये ना हो कि ये रुक जाए तो फिर वर्ल्ड बैंक और ADB वाले कहेंगे हम नहीं आपको दे रहे, IMF फिर खफा है। और इस दफ़ा जो चेंज आई है उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब आप लगाते हैं IMF के एग्रीमेंट के तहत, अब ये 5-5 रुपये इन्होंने इजाफा करना था, इस दफ़ा इन्होंने पेट्रोल के अंदर वो इजाफा ज़्यादा किया और हाई स्पीड डीजल के कम किया क्योंकि वहाँ इंक्रीज़ ज़्यादा बढ़ रही थी। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर वो जो ओगरा की तजवीज़ थी कीमतें कम करने की थी पेट्रोल की, लेकिन इन्होंने बढ़ाई है पेट्रोल की कीमत, उसका जो इजाफा लिया है वहाँ से हाई स्पीड डीजल को थोड़ा सब्सिडाइज़ किया। तो मैं इससे खुश नहीं हूँ क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर कहीं और आपको एब्जॉर्ब करना था इस कॉस्ट को। वो जो कैंपों में पड़े हुए हैं लोग जिनकी ज़मीनें डूब गई हैं, जिनको पास रोटी भी नहीं है खाने को, उसको बोलने के 10 रुपये या 15 रुपये और दे दो, कहाँ से देगा? कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। और ऊपर से एक महंगाई की सूरत हाल देखें तो महंगाई की सूरत हाल पहले काबू से बाहर है। जो आज छुटका है हमारे साथ प्रोग्राम, कादिर खान मंदोखेल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा इजाजुल हक साहब हैं हमारे साथ मुस्लिम लीग ज़ियाद से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा PMLN से हमारे साथ होंगे। सबको वेरी वार्म वेलकम। इजाजुल हक साहब, आप कुछ पहले इसके ऊपर एनालिसिस करिए, 50 साल की बुलंद तरीन सतह महंगाई की है, पेट्रोल को हमने और महंगा किया और आधा पाकिस्तान सैलाबों में डूबा बैठा हुआ है, तो क्या लोग अफोर्ड कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ जिंदा बच जाएंगे हम लोग, क्या होगा? देखें, मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है कि 65% जो मुल्क है इससे ज़्यादा शायद सैलाब में डूबा हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, कैंपों में लोग पड़े हुए हैं, खाने के लिए नहीं है, और हुकूमत बहुत देर से इनकी आंखें खुली थी, जब फौज मुतहरक हुई है तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने भी दौरे किए हैं, दूसरे लोगों ने भी दौरे किए हैं। ऐसे मौके पे देखें, पाकिस्तान जब इतनी मुश्किल दौर से गुज़र रहा हो तो यहाँ पर एक सियासी हमांगी पैदा करने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है क्योंकि लोग अब ये मजाक समझते हैं कि आप आपस में जो झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लोग इस वक्त आप यकीन करें लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते अपने, लोग बच्चों की स्कूलिंग नहीं कर सकते, किताबें नहीं खरीद सकते, 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, ये हाल है मतलब कि हमारे आवाम का इस वक्त। तो इस सूरत हाल में आप इन्फ्लेशन का आपने ख़ुद बता दिया, रुपी का आपने ख़ुद बता दिया कि कितना क्या हाल है इस वक्त, एक्सपोर्ट्स आपकी देखें कहाँ पर हैं, खड़ी हैं इस वक्त, यानी कहाँ पर खड़ी थी और कहाँ पर खड़ी हैं। यानी मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमने 2200 से 2500 लोग अपने जो हैं उनको फारग कर दिया है और हम जो है ये बिजली के जो लगाई गई हैं कीमतें लगाई गई हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इंटरनेशनली कम्पीट करके अपना माल एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप देखें अपने पड़ोस में देखें, जहाँ से आप बड़े शौक़ से आज आपने बयान दिया है कि हम हिंदुस्तान से सब्ज़ी और मतलब ट्रेड शुरू करेंगे, बेसिकली लेट्स पुट इट दैट वे, हिंदुस्तान 50% सब्सिडी देता है एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के ऊपर, यानी ये हिंदुस्तान करता है वहाँ पर एकड़ उनकी देख लेंगे कितनी वो है। हमारी कॉटन तो इस दफ़ा बिल्कुल ही सिंध में तो वाइप आउट हो गई है, साउथ पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ है उसको। तो आगे चलकर ये मैंने आज से 1 माह पहले अगर आप मेरा ट्वीट देखें तो मैंने बताया था कि आगे जाके क्या क्या मुश्किलात हमें आ रही हैं, फूड सिक्योरिटी की मुश्किलात आएंगी, फूड शॉर्टेजेस होंगे आपके, और महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। 300 रुपये किलो तो आपको प्याज मिल रहा है आज, जो कि मेरा ख्याल है चंद दिनों बाद कह रहे थे 600 और फिर 1000 रुपये किलो पर चला जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको चाहिए यह है कि आप एक मतलब अंदरूने मुल्क कम अज़ कम कि एक दूसरे को बुरा भला कहने, ठीक है वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी तकरीर की, अपना इल्ज़ाम भी हमेशा आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत पर लगाती है, लेकिन आप थोड़ा सा उस हुकूमत के आखिरी दिनों का, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप कई चीज़ें उन्होंने बेशक कंट्रोल की, लेकिन आज आप देखें ब्रेंट की कीमत क्या है, आज
आज 80 some rupees पे, 86+ rupees पे जो है ब्रेंट आ गया। आप कीमतें डीजल की बढ़ा रहे हैं, डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट किसान के ऊपर मजीद बोझ डाल रहे हैं कि आपका सारी मशीनरी जो है वो जो एग्रीकल्चर की है वो सारी डीजल पे चलती है। ट्रांसपोर्ट आपकी पूरे मुल्क में जितना खाना पीना आएगा अंडों से लेकर और सब्जियों तक वो सारा ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर फल सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हर चीज़ की कीमत जो है आप बढ़ा रहे हैं। अच्छा। फिर वजह क्या है कि आपकी कादर मंदोखेल साहब से भी पूछते हैं, जो ब्रेंट ऑयल की अभी करंट प्राइसेस हैं ये 100 पे चला गया था, अब 93.2 पे है इस वक्त, राइट नाउ जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी लेटेस्ट उसकी प्राइस 93.2 है, और ये ईरान की डील के ऊपर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया दुनिया में जिसके बाद ये $6-$8 नीचे आ गया, अदरवाइज $100 पे थी। कादर मंदोखेल साहब, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, 50 साल की बुलंदतरीन सतह, दूसरी तरफ मुल्क डूबा हुआ है सैलाबों में, फूड आइटम अब जो पैरिशेबल थी जैसे प्याज टमाटर आलू है वो तो वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा, क्या करें, कैसे लोगों को बचाएं, आप तो और महंगाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपने अपनी बात का जवाब, सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि महंगाई हुई है, 3 करोड़ लोग पानी में डूबे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले जो नापाक अजहम या नापाक गंदी जबान से पाकिस्तान के 3 टुकड़े के और श्रीलंका बनने के जो ख्वाब देख रहे थे, और फिर आपने उनके टेलीफोनिक गुफ्तगू भी देख लिया, क्या होती है मुल्क दुश्मनी, आप मुझे बताओ गद्दारी क्या होती है, दहशतगर्दी क्या होती है, बम ब्लास्ट गोले ये ना, तो दहशत वो गद्दारी क्या होती है, मुल्क दुश्मनी क्या होती है, यही होती है कि आप चाहते हैं कि IMF पैसे नहीं दे और ये पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, और वो शौकत तरीन की आपकी बयानात सामने, मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक हमारी हुकूमत में, अपनी हुकूमत कह रहा हूँ, अभी तक खामोश क्यों है। ऐसे गद्दारों को, ऐसे मुल्क दुश्मनों को तो पहले ही हथकड़ी लगा के उसको अंदर करना चाहिए ताकि किसी को सबक ऐसे लोग के आइंदा कोई मुल्क है। दूसरी बात ये, जब ये सूरत अल्लाह अल्लाह करके आप क्या समझ रहे हो हमारी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून के रांझा सब बैठे हुए हैं, हमने कोई ये इकदाम उठाते हुए हमें कोई खुशी महसूस हो रही थी, हमें अगर आपसे 2 बातें हमें सुनने को मिल रही है तो 400 बातें अलकों में से भी हमें सुननी पड़ती है, लेकिन क्या करें, हमारे पास 2 रास्ते थे, मुल्क बचाना या सियासत बचाना, हमने पहले मुल्क को तरजीह दी, मुल्क बचेगा तो सियासत बचेगा। अब ये अल्लाह अल्लाह करके दुश्मनों के सारे अजायम पे, जो नापाक अजायम पे तो पानी फेर गया, और दूसरी कुदरत की तरह सा ये देख ले कि ये कोरोना आया था, कितना इमरान नियाजी और उनके लोग चीख रहे थे कोरोना आ गया कोरोना आ गया, तो ये कोरोना से ज़्यादा बड़ा अजाब आया। तो आप मुझे बताओ 3 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान थले बैठे हैं, और आपको मैं सूरत हाल बता दूँ ख़ासतौर पर सिंध का, खैरपुर शहर का, वहाँ बड़े बाजार में एक बिल्डिंग ज़मीन के अंदर धस गई, आप अंदाज़ा लगा ले कि दरिया सिंध गुजर रहे तो ये पूरा ज़मीन पानी पानी हो गया। ऐसे सूरत हाल में आप मुझे बताओ कि फसलें तबाह हो गई है, जो आपके सारे जो सब्जियां वगैरह सब तबाह हो गई है, तो वो महंगाई नहीं होगी, आपके जो गाड़ियां हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप हर चीज़ ख़त्म हो गया, कॉलोनी के कॉलोनी, मोहल्ले के मोहल्ले, शहर के शहर ख़त्म हो गए, तो आप मुझे बताओ ट्रांसपोर्ट जाएंगे कहाँ से, क्या जो 100 रुपये किराया लेगा वो 100 रुपये लेगा, क्या वो जो फसलें तबाह हो गई है वो कहाँ से लेके आएंगे। तो ये सारे सूरत हाल को मुझे, मेरे ख्याल में आपको और इजाज़ुल्लाह साहब को इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि ये कोई हमें कोई खुशी नहीं हो रही, और खुशी अमर पर चारा नहीं है, क्या करें क्या, मुझे एक बात बताएं, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की इंडिया से हमारे गो के हमारी तबीयत हमारी रस्म जो कुछ हमारे नहीं मिलती है, मगर ऐसे हालात में आपका इंडिया से भी सारी चीज़ें लेना चाहिए, इस वजह से कि अपनी अना का मसला छोड़ के पाकिस्तानी आवाम को सोचना चाहिए कि क्या करें। अब दूसरी बात जो इजाज़ुल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि डीजल महंगा कर दिए आपने हारियों को, वह खुदा का वास्ता आप सिर्फ अपने इलाके का ना सोचे, आइए ज़रा हमारे हल्के भी देख लें कि पूरा का पूरा डूबा हुआ है। आप मुझे बताओ अभी जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी तकरीर सुनाई थी कि नाक रड़गाए IMF ने इनकी करतूतों की वजह से, PTI की, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की, मैं छोटा मिसाल देता हूँ आम आवाम को समझाने के लिए, एक मौली की दुकान से घर के एक फ़र्द जाए, यकीनन तो बाजार तो ये फ़र्द ही था, पाकिस्तानी था, जब वहाँ राशन की दुकान से कोई राशन लेके और भाग जाए और फ्रॉड करे पैसे नहीं दे, उसी गर्द का फ़र्द को और दुकान वाला राशन देगा, कभी भी नहीं देगा, इसी तरह सलूक करेगा जो IMF ने अभी हमारे साथ किया, लेकिन हमने वो भी बर्दाश्त कर ली, हमने सब कुछ बर्दाश्त की, कोई बात नहीं, हमें गालियां पड़े, मीडिया से पड़े, अवाम से पड़े, अपोजिशन से पड़े, हमने सब बर्दाश्त की, लेकिन आपको अभी ये पाकिस्तान की मईशत की और पाकिस्तान की तरक्की का आपको ये जो पटली जो है ना वो सीधी नजर आती आ रही है,
अब डॉलर कम होता जा रहा है, आपके वर्ल्ड बैंक के, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के, आपके सऊदी अरब, आपके कतर, आपके सारी दुनिया के मालिक चीन समेत, ये सारे इसी इंतज़ार में थे कि IMF उनको ग्रीन सिग्नल देता है कि नहीं दे दिए, तो इंशाल्लाह देखेंगे अंडा चिंदनों में। मोहसिन रंजा साहब, इस वक्त जो फूड आइटम्स है ना, 27.3 50 साल का रिकॉर्ड है, 49 ईयर्स का हाइएस्ट लेवल है इन्फ्लेशन का, लेकिन ये हाइएस्ट का रिकॉर्ड आप खुद ही अगले महीने तोड़ देंगे, क्योंकि फूड आइटम का बहुत बड़ा क्राइसिस हमें नज़र आ रहा है और शुरू हो चुका है, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी काम नहीं हो सकता। आपके जहन में क्या है, इंडिया से इंपोर्ट करना सियासी एतबार से एक मुश्किल फैसला है, लेकिन शायद प्याज, आलू, टमाटर, सब्जियां, इसके लिए कुछ आपको फैसला तो करना पड़ेगा, क्या करना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, इस पर अभी हुकूमत खुद फैसला करेगी, लेकिन मशावरत का अमल जारी है। देखिए, अगर हमारे पास प्याज जो है वो इस हद तक, अभी मैं पिछले दिन अपने हलके में था तो 300 के करीब ये पहुंच चुका था, 60-70 से होता हुआ, और 250-350 पे ये पहुंच रहा था। इसी तरह टमाटर जो है उसकी भी सूरत हाल पैदा हुई हुई है। हमारी मंडियों में सब्ज़ी बिल्कुल नहीं आ रही जो KPK से और सिंध से आया करती थी। तो जब फूड शॉर्टेज होगी और एक तरफ इन्फ्लेशन भी है, एक तरफ महंगाई भी है, तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं बड़ी लिमिटेड रह जाएंगी। हमें ईरान भी सॉफ्ट करना पड़ेगा, हमें अफ़गानिस्तान भी सॉफ्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है हमें इंडिया को भी सॉफ्ट करना पड़े अपनी फूड सप्लाइज को बेहतर करने के लिए। तो ये तो इंसानियत की बात है, यहाँ पर तो किसी को सियासत करने का या एक दफ़ा और हमने पैसे दे के लेना है, कोई मुफ्त में तो लेना कोई नहीं है, पैसे अदा करके लेना है, किसी का एहसान भी नहीं लेना, और उनकी ज़रूरत ट्रेड होती है पैसे दे के लिए, फ्री में कोई दुनिया से नहीं कुछ मिलता, लेकिन ये एक सियासी एतबार से मुश्किल फैसला है। आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि मोहसिन रंजा क्या चाहते हैं कि इंडिया से सब्जियों, टमाटर, प्याज, आलू, इसकी दरामद खोल दी जाए, क्योंकि ये फैसला वागा से आप करें तो बड़ा आसान है, लेकिन टूटिकली सियासी एतबार से मुश्किल फैसला। देखें मैं सियासी एतबार से ये मुश्किल फैसला है, लेकिन मेरी पाकिस्तान की आवाम जो है मेरी ज़ात में मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। मैं एक अपने मेरे हलके में आग लगी हो और पानी जो है वो मुझे कहीं से ऐसी जगह से लाना पड़ रहा हो जो मेरे दुश्मन की टेरिटरी है, तो मैं अपने लोगों को बचाने के लिए एक दफ़ा पानी ले आऊँगा कि मेरे लोग तो ज़िंदा, अगर लोग ज़िंदा रहेंगे तो मैं इलेक्शन में मुंतखब होऊंगा, मेरे हलके के लोगों को बेचारों को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, मेरी जमात कहाँ से रहेगी, या हमारा सर्वाइवल क्या होगा। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी तो ज़ाती राय ये है कि हमें सॉफ्ट करना चाहिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को, और दूसरा ये भी है, एक और भी चीज़ की जा सकती है कि हमारे लोगों में पैनिक ही नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये समझें कि जी प्याज शॉर्ट हो गया, टमाटर शॉर्ट हो गया है, तो हम एकदम पैनिकी और इकट्ठा स्टोर करने के लिए भागें, तो ये गलत चीज़ होगी, हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक तो जितना पकाने का है पाकिस्तानी कौम, जितने भी हमारे लोगों ने जितना एक रोज़मर्रा की शाम में पकती है चीज़, उसके हिसाब से इतना प्याज लगता है, जितना टमाटर लगता है, अगर वो रोज़ उतना ले लेना और उसने को इस्तेमाल करें कल पे चले, और हर पाकिस्तानी ये अप्रोच बना ले, तो भी मैं समझता हूँ शॉर्टेज नहीं होगी। शॉर्टेज हमेशा तब होती है जब भगदड़ मचती है, और भगदड़ में पैनिकी में लोग इकट्ठा खरीदना शुरू करते हैं कि ये शॉर्ट हो रहा है, उससे जो 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 ज़खीरा अंदोजी करने वाले लोग हैं वो बेनिफिट उठाते हैं और वो फिर पीछे से रोक लेते हैं जब भगदड़ मची होती है। तो पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए। इजाज़ुल हक़ साहब से मैं इस पर इंडिया वाली ट्रेड पर इनसे भी राय लेना चाहूँगा। इजाज़ुल हक़ साहब, क्या इंडिया से ये सब्ज़ी, टमाटर, प्याज, आलू, इसकी दरामद खोलनी चाहिए? क्योंकि वाघा वाली साइड से आप खोल लें तो आपको ये पूरा पंजाब वाली बेल्ट सारी बड़ी आसानी से कवर हो जाती है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन ये पॉलिटिकली सबसे कड़वा डिसीजन है जो लेना है। आपकी अपोजिशन चाहे फैसला काबिल कबूल भी हो, कहेगी नहीं नहीं इंडिया से नहीं करना, करना है या नहीं करना, आपसे जवाब सुनना चाहता हूँ। देखें सिंपल बात है कि अगर करना है तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कश्मीर, यानी कि मैं पेड़ पर पत्थर बांधने को तैयार हूँ, मैं वाघा का बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं हूँ, सीधी सी बात कह रहा हूँ आपको। लेकिन ये बहाना ढूंढा जा रहा है, ये खाली मौजूदा हुकूमत नहीं, पिछली हुकूमत के दौरान भी अगर आप वो नेशनल सिक्योरिटी पे जो सेमिनार हुआ था जिसमें कैमरॉन मंटर मौजूद था, जिसके अंदर अगर उसकी आप कुछ क्लिप निकाल लें, अगर नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा आपको, आप सुन लें, उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही थी, ट्रांज़िट ट्रेड की बात हो रही थी, मतलब हिंदुस्तान को रास्ता देने की बात हो रही थी आगे सेंट्रल एशिया की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ।
तो ये आपके ये असूलों के फैसले हैं, ये भूख का फैसला नहीं है, नंग का फैसला नहीं है, ये आपका असूलों का फैसला। अगर आप असूली फैसला कर रहे हैं पूरी कौम के सामने ये बात रख दें। एक सवाल आप मेरा इजाजत साहब आपसे, इमरान खान ट्रंप से मुलाकात करके आए थे, जिसको सबसे ज़्यादा कामयाब मुलाकात के तौर पर डिक्लेयर किया गया था कि वाइट हाउस में बैठे हुए हैं ट्रंप के साथ और वो मीडिएशन की बात कर रहे हैं। वापस आए थे तो उनका वर्ल्ड कप जीतने जितना बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए इमरान खान को, वैसे ही सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन उससे चंद रोज़ बाद ही 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A इंडिया ने ख़त्म कर दिया था। हमारा जवाब ये था कि हमने कहा हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर क्या कहा था, क्या करूँ इंडिया पर हमला कर दूँ, तो उसके बाद क्या कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी आई? बिल्कुल बेहतरी नहीं आई। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने भी सही स्टांस नहीं लिया, उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए, अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है कश्मीर के हवाले से भी, और आपको जहाँ नाक रगड़ना पड़ रहा है। फेलियर नहीं था IMF का, एक 1.2 बिलियन नहीं थी, 5 अगस्त को उसने आर्टिकल 370 और 35A खत्म कर दिया। हमें पता था, हमारी फॉरेन रिलेशंस कमेटी को उससे पहले पता था कि ये होने जा रहा है 5 अगस्त को। हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके कोई अपने डेलीगेशन भेज के इंटरेक्शन नहीं किया, हम बैठे रहे, फिर हमने कहा नहीं, हमने वाका बंद कर दिया। ये रिस्पांस काफ़ी था क्या, आप समझते हैं ये नाकामी नहीं थी? नहीं, नाकामी थी बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये नाकामी थी, लेकिन बात जिस तरफ जा रही है ना, मुझे उधर ख़तरा आ रहा है। मतलब आप अब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब आप इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अनकरीब जो आप पे प्रेशर है, खुल के बता नहीं रही हुकूमत अभी कि आप इसराइल को भी तस्लीम करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये IMF से जो पैसे मिले इससे आपको 4 गुना ज़्यादा भी मिल जाएं, पर क्या ये इस फैसला करना चाह रहे हैं? आप खुद एक जनरल के साहबजादे हैं, जनरल जा के जो पाकिस्तान में 10-11 साल जो हुक्मरान भी रहे, सदर भी रहे, कोई माई का लाल वज़ीर आज़म, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ऑनियर कहने पर तैयार हूँ, नवाज़ शरीफ ले आए, बेनज़ीर होती हैं, अल्लाह उनकी मकसद फरमाई या कोई और होता, कोई माई का लाल वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो ये फैसला कर सकता है अपने तौर पर। ये नहीं हो सकता इजाज़ुल हक साहब, ये दूसरे को जहर आलूद करने के लिए तो हम कह सकते हैं इसराइल को तस्लीम करने लगा है, इमरान को भी वो कहते हैं, फजल रहमान कहते हैं यहूदी का एजेंट है, वो कोई यहूदी का एजेंट हो ही नहीं सकता, या कोई इसराइल को तस्लीम कर ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, इट्स नॉट डूएबल, लोग खा जाएंगे उसको, कच्चा खा करेगा। बस यही मैं आपसे सुनना चाहता था जो आपने बात की है। दूसरी बात ये देखें कि हम हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात हैं हमारे, क्या प्रोग्राम है, कितना बोझ हम डालेंगे अवाम के ऊपर और कितना बोझ अवाम जो है उसको बर्दाश्त करेंगे। मैं नहीं कहता, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान बिल्कुल मेरे मुंह में खाक कि श्रीलंका बन जाए, लेकिन वहाँ के हालात देखें, 3-4 घंटे वहाँ बिजली आ रही है, एक टाइम लोग खाना खा रहे हैं, गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, सब साइकिलों पर जा रहे हैं अब क्योंकि पेट्रोल है ही नहीं उनके पास। तो हमें चाहिए कि सोच समझ कर इसको श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए, ये जो मिफ्ता ने रास्ता अपनाया है, इट इज़ वेरी पेनफुल, और मैं उनकी बात चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, जैसे रुपए को मेरा ख्याल है उन्हें और इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन रास्ता यही था जो लिया गया, इसके अलावा रास्ता नहीं था। IMF कहता था ये करके आओ फिर बात सुनना, इवन जो पर्सनल इनकम टैक्स था ना उसके ऊपर उन्होंने कहा पहले करके आओ चेंज करके फिर आना। मैंने मिफ्ता साहब से कहा ये हमारा मसला है, उनको क्या तकलीफ है, कहते मैंने भी यही पाया, लेकिन वो नहीं मानते, कहते करके आओ फिर प्रोग्राम आगे जाएगा। ये सूरत हाल थी आपकी, वो कहते थे कोई बात ही नहीं सुननी आपकी। जिस नदीम भाई, जिस ने हमें यहाँ पहुँचाया है, चाहे वो पिछली PTI की हुकूमत थी या उससे पिछली किसी की हुकूमत थी, कि इस नैश तक हमारे हम जो आए हैं कि हमें नाक रगड़ना पड़ रहा है, आज लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें एक मरतबा भीख दे दो, हम बहुत मेहनत करेंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए, थोड़ी सी ये जो शहनशाहियत है इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि लोगों को नज़र आए कि जनाब हमारे हुक्मरानों ने पेट पे पत्थर बांधे। ये ना हो कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह जब लोग शोर करना शुरू कर दें तो वो फिर बादशाह बैठ के पूछेगा कि इनको केक क्यों नहीं खा रहे ये लोग, यानी जब लोग रोटी के लिए ब्रेक ले लें। जी ब्रेक ले लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आपने कादर मंदोखेल साहब, जब भी इलेक्शन में जाना हो तो लोग सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछेंगे कि महंगाई की सूरत हाल, रोज़गार की सूरत हाल, रोटी उनको रात को मिली कि नहीं मिली? जी बिल्कुल करते हैं, यकीनन करते हैं, लेकिन
मैं ये कहूँगा कि एक तो वो कहते हैं ना मुखालफत बराए मुखालफत, तो वो तो आप कुछ भी कर लो उसने करना ही है। खुर्शीद शाह साहब ने मुझे बताया, बोले हमारा ये हाल है कि घर में पांच भाई हो, चार को नौकरी दो, पांचों को नौकरी तो नाराज़ होता है। ये भी हाल हमने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखे हैं कि वो देखते हैं रियलिटी भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब किस तरह हालात चल रहे हैं। मैं आपको जो अब सिंध बलूचिस्तान का या जनूबी पंजाब का या स्वात की सूरत हाल आपके सामने, कभी आपने देखा हो इस तरह कोई जंग में भी इस तरह सूरत हाल नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ लोग समझते हैं और बहुत सारे लोग कराची शिफ्ट हुए, मेरे हल्के में लोग आज भी मैंने अपनी टीम में जो है ना रवाना कर दिया उसको उनका ख्याल रखने के लिए, स्कूल अस्पताल जहाँ लोग आते हैं भर जाते हैं उसमें। ये कराची की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन सवाल करते हैं, लेकिन हम भी फिर यही चीज़ जिस हिसाब से मैं बात करूँ यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये सूरत हाल ये चीज़ें। और फिर मैं ख़ासतौर अपने हल्के की बात करूँ, मेरा हल्का तो मैं हर जगह कहता हूँ कि एटमी पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी का वो बदनसीब एरिया है जिसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, है नहीं इस स्थले से, मतलब जिसने जो घर बना लिए जा बना लिए, सूरज को इधर जा रहे को उधर जा रहे पता ही नहीं चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए प्रोग्राम बनाए। अभी मैं एक साल मुझे हुआ है, एक साल अगर ज़िंदगी रही और या असम्बली रही तो मैं इंशाल्लाह ये सबको मुकम्मल करूँगा। तो मैंने बुनियादी तौर पे सोचा हुआ है मुझे ये असम्बली भी यहाँ कमेटियाँ भी संभालना है, अपने हल्के भी संभालना है। तो ये सवाल यकीनन लोगों के जहन में है। अब जो मोहतरम एजाज़ुल्हक साहब बातें कर रहा था उसमें अपने हिसाब से ये किए ये किए, वो भाई आप मुझे बताओ कि आपके वालिद मोहतरम भी तो हुकूमत पर रहे 9-10-11 साल, क्या किया उन्होंने? मैं कबाली इलाके जोब का रहने वाला हूँ, मैं अल्फिया कह रहा हूँ कभी हमने कलाशंकोप दूर की बातें हमने पिस्टल नहीं देखा था। आपने जो फैसला कर दिया है और फिर उसके बाद जब ये कलाशंकोप कल्चर आया तो आपके दौर में आया, यानी आपने पूरे पाकिस्तान को एक मैदान जंग बना दी आपकी पॉलिसी की वजह से आया। और फिर उसके बाद आपने जो दूसरे इकदाम किए आपने इंडिया के साथ क्या किया वो आपने बता दे, कुछ नहीं किया। लेकिन मैं अपने तौर पे ये समझ रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे मेरे या मेरे किसी के बच्चे भूखे हैं तो मैं ये नहीं सोचूंगा बराबर वाला दुश्मन है या कोई है, क्योंकि मुझे अपने जैसा भी रांझा साहब ने भी बात की, हमें अगर इस चीज़ को करना है कि आपने कश्मीर का सौदा करने के बराबर है, यार मेरे बच्चे अगर भूखे हुए हैं, मेरे पाकिस्तानी अगर भूखे हुए हैं तो मैं सिर्फ अपनी आना का मसला कि कश्मीर में ने आज़ाद करना हो तो ऐसे आज़ाद नहीं होता है जिस तरह इमरान न्याजी ने वहाँ ट्रंप के साथ सौदा करके आया और 10 दिन बाद एग्जैक्ट भी वही आर्टिकल 35-370 जो है ना उसने ख़त्म करके गोद में ले ले। उसके बाद आपने क्या किया, एक दिन आपको याद होगा नदीम मलिक साहब जुमे के दिन आधा घंटा एहतजाज किया और उसके बाद उनने क्या किया, कश्मीर आयोग का नाम बदल के श्रीनगर आयोग बना लिया, हो गया भाई कश्मीर का काम हो गया। भाई आपने क्या किए, आपकी वालिद मोहतरम के दौर में क्या हुआ, इमरान न्याजी के दौर में क्या हुआ, मैं चीज़ बताऊँ। लेकिन बात यह है अगर आप इन्हीं चीज़ों पर नजार करेंगे ना, आप कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे तो इस तरह नहीं चलेंगे। मैं वो कहते हैं ना कि आप एक उंगली आगे की तरह की तो चार ही अपनी तरफ भी आ रही है, अगर आप मेरी तरफ उंगली उठाएंगे तो ये भी ख्याल रखना कि ये चार आपकी तरफ भी है कि आज एक इमरान खान से कोर्ट इंटरेक्शन कोर्ट में उनकी पेशी थी, वो 780A का वो जो केस चल रहा है, तो उस मौके के ऊपर एक उनसे सवाल हुआ तो उनका जवाब बड़ा मानी खेज था, सुनाइएगा जी साहब से पूछते हैं। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ, मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। रांझा साहब मुझे लगता है कि वो बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत से जाने के बाद वो सड़कों के ऊपर ज़्यादा लोगों को ला रहे हैं, परेशानी का बायस तो बन रहे हैं आपके लिए। देखिए जहाँ तक सवाल है इमरान का तो वो परेशानी बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महंगाई। इमरान इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ कि आप खुशाब में मेरा इलेक्शन देख लें जो हुआ, वहाँ पे 3 कैंडिडेट थे, 2 PMLN के थे, 1 PTI का था। PTI के एक कैंडिडेट ने 50,000 वोट लिए, PMLN के एक कैंडिडेट ने 44 लिए, एक ने 47 लिए। अगर हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करा दें तो वो कहाँ पे जाएगा PTI का कैंडिडेट? हमारी हिकमत अमली के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे ग्राउंड वर्क के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे होमवर्क के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन इमरान इज़ नॉट अ थ्रेट फॉर PMLN। अगर हमारी ये पूरी दूसरी बात, हमें इमरान से बिल्कुल ख़तरा नहीं है, हमारी अपने कुछ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वर्किंग होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम आया 17 तारीख वाले इलेक्शन में कि टिकट्स हमने डिफेक्टर्स को दिए, जिसकी वजह से एकदम रिज़ल्ट ये आ गया कि हमारे लोगों ने भी वोट नहीं दिए, लेकिन क्योंकि हमारा एक अलायंस था तो हमें ये फैसला करना पड़ा। दूसरी तरफ हमारा चैलेंज इमरान नहीं, हमारा चैलेंज महंगाई है। अगर हम महंगाई को बीट कर देते हैं तो इमरान जो है इज़ नथिंग,
पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल ऊपर चढ़ता है, तो आप याद करिए कि जब पेट्रोल ऊपर चढ़ा था तो बल्दियात के इलेक्शन में पीटीआई का टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, और पीटीआई के जो एमएनएस थे वो कहते थे कि यार हम पीटीआई छोड़ रहे हैं क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। हमारा अभी सिचुएशन जो है प्रॉब्लम है वो महंगाई है। इमरान इज़ ज़ीरो थ्रेट फॉर अस, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, इज़ ज़ीरो थ्रेट फॉर अस। इमरान के वही लोग हैं और हमारा जो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज है, वो हमसे नाराज़ जो होती है वो महंगाई के ऊपर होती है, और महंगाई जो है उसका बैकलॉग जो है, क्योंकि लोग ये चीज़ समझती नहीं है, ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं हमें अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं, ये पॉलिसीज़ जो इमरान ने की थी। हमने एक कोशिश की कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएं, हम इस चीज़ की तरफ जाएं, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल को नुकसान ज़रूर पहुंचाए, लेकिन हम फिर भी ये यकीन रखते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में कि इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना कि क्या कुछ पाकिस्तान के लिए एक हुआ, और हमारी नेक नीति जो है हम कोशिश करें पाकिस्तान रिकवर करे, और अगर पाकिस्तान उसे रिकवर कर जाता है तो हम ये चांस लेंगे कि हम पाकिस्तान को रिकवर करवाएं, और पाकिस्तान रिकवर कर सके, जितना ज़्यादा कर सके। जिस तरह मैंने पहले बात की कि चाइना जो है, चाइना और इंडिया का कितना बड़ा डिस्प्यूट है, बट चाइना का और इंडिया का जो ट्रेड है क्या वो ख़त्म हो गया है? आप मुझे जाके दिखाएं कि चाइना इंडिया आज भी ट्रेड कर रहा है, उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। एक तरफ उनका वहाँ पे सारा लड़ाई और बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन रहती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे बरकरार रहता है। हमारा कश्मीर हमारी शहर अग है, हम कश्मीर को के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए कुर्बान है, लेकिन हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी लोग जो भूख और अफलास का शिकार हैं, हमें उनको सर्वाइव करवाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरे अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा दोनों भाइयों के लिए, एक वो जो कमज़ोर होंगे जिनके लिए मैंने ताकतवर होकर लड़ना है, अगर मैं ताकतवर ही नहीं होऊंगा, मेरे मुल्क के लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे तो हम किस तरह लड़ेंगे कश्मीर के लिए, हमारे में ताकत कहाँ से आएगी? तो इसलिए हमें अपने मोहसिन राजा साहब और कादिर मंदोखेल साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बागी है, ब्रेक ले लें। सैलाब ज़्यादा इलाकों के अंदर गंदा पानी और साफ पानी पीने को मैसर नहीं है, इस चैलेंज से निबटना कैसे, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब ज़्यादा इलाकों में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है पीने का साफ पानी मैसर ना होना है। तो पंजाब आबे पाक अथॉरिटी, उसके सरबराह हैं सैयद जाहिद अजीज़, वो हमारे साथ हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक हम डिवाइस देख रहे हैं, हैंड पम्प टाइप के पंजाब आबे पाक अथॉरिटी की जानब से बनाई गई है। ये कैसे काम करती है, क्या गंदा पानी साफ कर सकती है, सैलाबी पानी को साफ कर सकती है, कुछ वजाहत फरमाइए। हम टी वी पर डिवाइस आपकी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, दरअसल ये जो सैलाबी कैफियत होती है उसमें आप देखते हैं कि लोग हर तरफ सैलाब जदगान पानी में घिरे होते हैं, लेकिन वो पीने का पानी नहीं होता, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी पेट की बीमारियां या पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का होता है। इस सिलसिले में अगर आप ट्रांसपोर्ट करें तो वो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इशू होते हैं कि दूर से आप पानी की बोतलें या टैंकर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंड पंप आबे पाक अथॉरिटी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, उसका मकसद ये है कि जो वहाँ पे पानी होता है, जो सैलाब का इकट्ठा हुआ हुआ या कहीं करीबी कोई नहर हो या दरिया, उसके पानी को लेके ये हैंडपम्प की पावर से इसको चलाते हैं, और उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एक लगा होता है, इसमें से ना वायरस गुजर सकता है, ना उसमें बैक्टीरिया गुजर सकता है, ना प्रोटोजोआ गुजर सकता है। तो जो भी पानी किसी किस्म की कसाफत जो है जरासीमी, उससे वो पाक होता है। दुरुस्त है। तो ये क्या पंप जो है ये कमर्शियली दस्तयाब है कि सैलाब ज्यादा इलाकों में लोग लेना चाहें तो उन्हें कीमत दे के दस्तयाब है? कितनी कीमत और कहां से दस्तयाब है? ये दरअसल चूंकि एक हमने अपने पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि हम हैंडपम्प ड्रिवन पंप पहला डेवलप करा सके, तो आबे पाक अथॉरिटी ने ये 3 माह कबल ये जो कबायली इलाका जात है वहाँ पे पोर्ट मंडो और पीजी खान ने उनके लिए ये बनवाया था कि जहाँ पे इंसान और जानवर एक ही तालाब में पानी पीने की बात होती थी और वो हकीकत भी यही थी, तो वहाँ के लिए हमने स्पेशली डिजाइन करवाया इंटरनेशनली नेदरलैंड से। लेकिन अब चूंकि एक दफा हमारे पास ये आ गए और इत्तेफाक से जो ही हमने ये वहाँ पे इंस्टॉल किए और उन्हें अच्छा रिजल्ट दिया, तो साथ ही ये सैलाबी कैफियत पैदा हो गई और ये सानिया रूनमा हो गया, तो इस वजह से ये यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाहते ये हैं, कुमते पंजाब की यही कम्युनिस्ट इंडस्ट्री से भी कल बात हुई थी,
वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज आगे आए और इसकी रेप्लिका बनाएं और इसकी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे पास आ चुकी है। सर मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनको दावत दें, वो कोई ना कोई इसमें इन्वेस्ट कर देगा, उसको टेक्नोलॉजी दें और इसके प्रोडक्शन शुरू करें। टाइम तो अब है नहीं, सैलाब में तो लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, अभी तो हमारे पास ये पाम्प 31 मौजूद है, सैलाब को तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी फ्यूचर में अगर कभी और जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा कई ऐसी जगह जहाँ बिजली नहीं है और लोगों को साफ पानी की जरूरत होती है, सैलाब के अलावा भी इस चीज की जरूरत हो सकती है, तो ये टेक्नोलॉजी हम इसको लोकल रेप्लीकेट करवाएंगे। लेकिन फिल वक्त इस सैलाब में इसने हमें काफी फायदा दिया है कि हमें पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ रहा और वहीं का पानी इस नलके के जरिए हम ड्रिंकेबल बना रहे हैं। सैयद जाहिद अजीज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इस टेक्नोलॉजी का कमर्शियल स्केल पे इस्तेमाल होना चाहिए, पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत कोई एक आगे बढ़े, बहुत यूजफुल पाकिस्तान जैसे मुल्कों डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहां बेशतर मुल्क के हिस्सों में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।